शाहरुख खान पर अपने बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगा है। इस मामले में शाहरुख को आरोपी बनाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आपराधिक जनहित याचिका दायर की गई है और अदालत में इस याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। इस PIL में कहा गया है कि CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वानखेड़े की तरफ से शाहरुख के साथ KP गोसावी के जरिए रिश्वत को लेकर बातचीत करने से जुड़ा ये मामला है। इस मामले में आर्यन को बचाने के लिए 18 से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि तय करने और 50 लाख रुपए नगद स्वीकार करने का आरोप है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचित किए बिना किसी अधिकारी को पक्ष लेने के लिए रिश्वत देता है तो ऐसा व्यक्ति अभियोग के लिए जिम्मेदार होगा। याचिका में शाहरुख खान और आर्यन खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक उपरोक्त धारा शाहरुख खान और आर्यन खान पर लागू होती है। इस मामले के याचिकाकर्ता RK पठान है, जिनकी तरफ से वकील नीलेश ओझा और तनवीर निजाम पेश होंगे। याचिका में हाईकोर्ट से जबरन वसूली और रिश्वत मामले की जांच CBI से कराने की अपील की गई है। साथ ही शाहरुख खान और आर्यन खान को मामले में आरोपी के तौर पर जोड़ने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। इसके जरिए मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है जिन्होंने जांच की और फिर समीर वानखेड़े और अन्य को भ्रष्टाचार के आरोपों से क्लीन चिट दे दी। इन लोगों ने अभियुक्तों को बचाने के लिए सार्वजनिक मशीनरी, संपत्ति और संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि CBI को मामले की जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए शाहरुख खान, आर्यन खान, समीर वानखेड़े और NCB के अन्य अधिकारियों के नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस तरह के परीक्षणों का इस्तेमाल पूरी साजिश का पता लगाने और सच्चाई को सामने लाने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI के रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 23 जून तक बढ़ा दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।